गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आर्ट की क्लास में। आज हम स्टेप बाय स्टेप बुक पेज नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। 11 पेज, टॉपिक है स्टडी ऑफ नोज। आज हम डिफरेंट टाइप की नोज बनाएंगे। ड्रॉ एंड कलर द डिफरेंट टाइप ऑफ नोज इन द स्पेस प्रोवाइड। तो आज हमने नोज की स्टडी करनी है, नोज अलग अलग टाइप की कैसे बनती है। तो सबसे पहले इस साइड में जो 3 नोज बनी हुई है, हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक बीच में लाइन लगा लेते हैं। 3 नोज यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और 3 नोज यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, बिल्कुल लाइट पेंसिल हमने यूज़ करनी है और एक एक जो लाइन है इनको फॉलो करेंगे। देखिए कितना इजी है नोज बनाना। ये देखिए, ऐसे हमने धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इस नोज की प्रैक्टिस करेंगे हम। अगर आप धीरे धीरे बनाएंगे तो ये अच्छा बन जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आप सीख जाएंगे अच्छे से। पहले हम रफली बनाते हैं, फिर उसको अच्छे से जो लाइनें हमारे मिस्टेक्स हैं वो इरेज कर देंगे। ये देखिए, ठीक ऐसे ही इस साइड में जो नोज बनी है इसके बाद ये देखिए लास्ट है जो। ये देखिए, ये हमने नोज बना ली है। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे से नोज बनाना सीख जाएंगे। ऐसे नोज बनाने के बाद आपने ब्लैक पेन के साथ इसकी आउटलाइनिंग कर देनी है। आउटलाइनिंग के बाद बारी है कलरिंग की। तो सबसे पहले कलर, अगर आपके पास ऑयल पेस्टल कलर है तो आप ये यूज़ कर सकते थे। अगर आपके पास पेंसिल कलर है तो आप पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पेंसिल कलर यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन कलर भी, ऑयल पेस्टल भी और पेंसिल कलर भी। तो यहाँ पे इस नोज को जो कंप्लीट करेंगे हम, सबसे पहले है इसके अंदर स्किन कलर। देखिए, स्किन कलर हमारा हो चुका है। ऐसा करते हैं हम, जो भी हमारी नोज है ये में स्किन कलर पहले लाइट लाइट कर लेते हैं। ये देखिए, स्किन कलर हमने कर दिया है बिल्कुल लाइट लाइट। अब बारी है डार्क शेडिंग की। डार्क शेड इसके बाद मैं लूँगा ब्राउन, लाइट ब्राउन। इससे जो ये स्ट्रोक है, देखिए आपने बिल्कुल आराम से इनको शेड करना है, इनमें जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए ये देखिए, यहाँ से हमने इसको डार्क करना है।
ये हो चुका है डार्क, इसको भी हल्के हल्के जो जो ड्रॉ करने डार्क करना वो डार्क करेंगे, जो हाईलाइट रखना है इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही हम इनमें भी ये शेड कर देंगे। इसके बाद बारी है डार्क ब्राउन की। यहाँ पे हम जो हिस्सा बिल्कुल ज़्यादा डार्क है वो शेड हम करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पहले लाइट, फिर डार्क, फिर एक्स्ट्रा डार्क, जो हाईलाइट करना है उसको हमने लाइट कलर है, और जो डार्क करना है हमने उसमें डार्क शेडिंग करेंगे। भी हो चुका है, इसके बाद बारी है देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, आज हमने स्टडी की है नोज़ की, डिफरेंट टाइप के नोज़ बनाए हमने और उसमें अच्छे से कलर शेडिंग की है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए और सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।